हेलो दोस्तों, एमकेएन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपके लिए वापस से आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर का न्यू वीडियो लेकर के आया हूं। और दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यहां पर इंटरव्यू कट ऑफ की, यानी कि इंटरव्यू के लिए कितना कट ऑफ जाएगा और इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आ जाएगा, और इसकी जो फाइनल आंसर की है उससे पहले जो आंसर की आएगी इंटरव्यू के लिए वो कब तक आएगी। साथ ही दोस्तों, ये जो है सोशियोलॉजी, संस्कृत और इकोनॉमिक्स का ये वीडियो होने वाला है। इन तीनों सब्जेक्ट का आज आपको पिछले एग्ज़ाम के आधार पर कट ऑफ बताया जाएगा। पिछली बार कितने कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था और इस बार लगभग कितने को बुला सकते हैं, तो ये अनुमान के आधार पर केवल आपको यहाँ पर बताया जाएगा। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। और उससे पहले अगर दोस्तों आप इस वीडियो पे नए हो तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ ही बेल आइकन को दबाना है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हो कि ये पिछली भर्ती का यहाँ पर जो है नोटिफिकेशन है, और मैं हर वीडियो में आपको पिछला नोटिफिकेशन इसलिए बताता हूँ ताकि आपको ऑफिशियल जो पोस्ट हैं वो पता चल जाए। तो दोस्तों, इकोनॉमिक्स की पिछली बार 47 पोस्टें आई थी, सोशियोलॉजी की 42 पोस्टें आई थी और संस्कृत की यहाँ पर 39 पोस्टें आई थी। लेकिन इस बार दोस्तों कितनी पोस्टें आई है वो भी आप देख सकते हो कि ये इस बार का नोटिफिकेशन है, और इस नोटिफिकेशन में आपको जो इकोनॉमिक्स की पोस्टें हैं वो 103 यहाँ पर बताई गई, यानी कि इस बार 103 पोस्टें आई है इकोनॉमिक्स की। सोशियोलॉजी की जो है 80 पोस्टें आई है और जो संस्कृत है उसकी 76, यानी कि पिछली बार से इस बार जो है इन तीनों में ही ज़्यादा पोस्टें आई है। अब दोस्तों, जो रिजल्ट है पिछली बार का वो बता दूं, तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर सोशियोलॉजी का है। तो सोशियोलॉजी में आप देख सकते हो कि इंटरव्यू के लिए लगभग यहाँ पर 176 कैंडिडेट को बुलाया गया था। ये पहली लिस्ट है दोस्तों, यानी कि जो एग्ज़ाम था उसके बाद में पहली जो लिस्ट जारी हुई थी इंटरव्यू के लिए वो लिस्ट है, और 176 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया। तो दोस्तों, यहाँ पर 176 कैंडिडेट को 42 पोस्टों पर बुलाया गया था केवल इंटरव्यू के लिए, यानी कि 4.19 गुणा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था, यानी कि लगभग 176 कैंडिडेट। ये 2020 की भर्ती है, और अब जो 2023 है उसमें 80 पोस्टें हैं, यानी कि लगभग दो गुणा इससे, यानी कि 42 से ज़्यादा है दो गुणा, लगभग चार टाइम्स, यानी कि चार गुणा अगर कैंडिडेट को बुलाया जाता है तो 320 कैंडिडेट यहाँ पर इंटरव्यू के लिए पास होंगे। लगभग डबल कैंडिडेट को अब की बार यहाँ पर इंटरव्यू में बुलाया जा सकता है सोशियोलॉजी में। और दोस्तों, इसकी जो कट ऑफ है पिछली बार जो 200 में से, यानी कि इंटरव्यू का इसमें शामिल नहीं है, केवल इंटरव्यू के लिए कट ऑफ है, इसलिए यहाँ पर 200 में से है। तो 200 में से जनरल की 96 गई थी यहाँ पर जनरल की। और दोस्तों, एक चीज़ मैं बता दूं कि यहाँ पर विडो कैटेगरी जो है उसका थोड़ा अलग कट ऑफ है, यानी कि कम कट ऑफ जाता है। वहीं ईडब्ल्यूएस का यहाँ पर 96 था, यानी कि जनरल के बराबर, और जो ओबीसी है उसका भी जनरल के बराबर था, एमबीसी का भी यहाँ पर जनरल के बराबर में था। लेकिन जो एससी और एसटी के जो कैंडिडेट है उनका लगभग 10 जो नंबर है वो कम गया था यहाँ पर कट ऑफ। इस बार दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि ये जो जनरल की कैटेगरी है उसमें ये जो कट ऑफ है वो आपका 85 से लेकर के यहाँ पर 92 रहने वाला है, और ईडब्ल्यूएस का भी यही रहेगा, ओबीसी और एमबीसी का भी कट ऑफ जो है आपका यही रहने वाला है। साथ ही दोस्तों, जो एससी और एसटी कैटेगरी है इनका जो कट ऑफ है इस बार 80 से लेकर के यहाँ पर 88 तक रहने वाला है, यानी कि ये एससी और एसटी का कट ऑफ है। दोस्तों, ये केवल अनुमान है, और इसके बाद में जो मेन रिजल्ट आएगा इंटरव्यू होने के बाद में उसमें लगभग 20 से 40 नंबर यहाँ पर बढ़ेंगे, और दोस्तों इनमें लगभग 4 या 5 जो नंबर है वो कम यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। अब दोस्तों, आपके सामने है इकोनॉमिक्स का रिजल्ट। तो दोस्तों, पिछली बार इकोनॉमिक्स में अगर देखा जाए तो यहाँ पर 233 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। इसमें दोस्तों जो पोस्टें हैं वो 47 पोस्टें थी पिछली बार, तो 4.95 गुणा कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया, यानी कि 233 कैंडिडेट को 2020 में इंटरव्यू के लिए बुलाया गया था। और इनके इंटरव्यू दोस्तों 2022 में हुए थे, 2020 की भर्ती थी, वहीं ये 2023 की भर्ती है इस बार। तो 103 पदों पर यहाँ पर चार गुणा अगर कैंडिडेट को बुलाते हैं तो लगभग 412, यानी कि 400 से 450 के बीच में यहाँ पर इंटरव्यू के लिए इन कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया जाएगा। और अगर कट ऑफ की बात करें दोस्तों, तो पिछली बार का जो कट ऑफ है जनरल का वो 86 रहा था, ईडब्ल्यूएस का भी इसके बराबर था, तो ओबीसी का इसके बराबर में था। लेकिन दोस्तों, एक चीज़ यहाँ पर देखो, एमबीसी का यहाँ पर कट ऑफ इससे कम था, लेकिन जो एससी कैटेगरी का है वो जनरल के बराबर कट ऑफ रहा था, और एसटी का 83 यहाँ पर कट ऑफ रहा है, यानी कि पिछली बार एससी, ईडब्ल्यूएस, जनरल और ओबीसी का कट ऑफ बराबर था। लेकिन दोस्तों, इस बार आपको मैं बता दूँ कि इसमें जो कट ऑफ है वो आपका 75 से लेकर के 82 तक कट ऑफ रहने वाला है, जनरल का, ईडब्ल्यूएस का, ओबीसी का और एमबीसी का। दोस्तों, यहाँ पर एमबीसी का इसके बराबर रहेगा इस बार। और जो एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी है इनमें आपको देखा जाए तो 75 से लेकर के 80 तक रहेगा, एससी और एसटी दोनों कैटेगरियों का इसके बराबर आपका जो कट ऑफ है इस बार रहने वाला है।
तो दोस्तों ये जो कट ऑफ है इकोनॉमिक्स का था, अब दोस्तों आपके सामने संस्कृत का कट ऑफ मैं बता दूं, ये ऑफिशियल रिजल्ट है पिछली बार का संस्कृत का, यानी कि पिछली बार 39 पोस्टें थी, उनमें 4.76 गुना कैंडिडेट को बुलाया, लगभग 186 कैंडिडेट को यहाँ पर बुलाया गया था। और अगर इस बार देखा जाए 2023 में 76 पोस्ट हैं, यानी कि इससे ज़्यादा है, और अगर केवल 4 गुना कैंडिडेट को बुलाते हैं तो 304 कैंडिडेट, यानी कि लगभग 300 से लेकर के 350 कैंडिडेट को यहाँ पर इंटरव्यू में इस बार संस्कृत में बुलाया जाएगा। और दोस्तों अगर कट ऑफ की बात करते हैं, पिछली बार इसका जो 200 में से कट ऑफ था, यानी कि 125, अब तक की जितनी भर्तियों का मैंने बताया है सबसे ज़्यादा संस्कृत का रहा था 125 पे, जनरल का, EWS का भी 125 पे था, और OBC का 125, MBC का 125 पे यहाँ पर कट ऑफ था। केवल SC का जो कट ऑफ है वही 111 पे था, और ST का भी इसके बराबर था। अब दोस्तों इस बार जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाला है, इस बार जो जनरल का कट ऑफ है वो लगभग 115 के करीब रहेगा। आप इसमें जो है +3 या ±, कर सकते हो, यानी कि 118 या 112, ये इसका कट ऑफ रहेगा, ये चाहे EWS का है, चाहे OBC का है, चाहे MBC का है। और दोस्तों यहाँ पर SC की बात करें तो दोस्तों इस बार SC का 105 से लेकर के 108 के बीच में रहेगा, और ST का जो अगर देखा जाए तो वो 115 से लेकर के 116 के बीच में यहाँ पर कट ऑफ रहने वाला है। ये दोस्तों पिछली बार के कट ऑफ के अनुमान के बराबर है, केवल अनुमान है इसमें, इसमें कम या ज़्यादा हो सकता है। और इस बार जाहिर सी बात है कि इंटरव्यू का जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा, हर सब्जेक्ट में कम जाएगा, क्योंकि दोस्तों पिछली बार पोस्टें भी कम थी, इस बार पोस्टें भी ज़्यादा है। और इस बार जो कैंडिडेट एग्ज़ाम देने वाले वो लगभग अगर देखा जाए तो 100 में से 40 कैंडिडेट या 30 कैंडिडेट ही एग्ज़ाम दिया है, इसलिए इस बार जो कट ऑफ है वो काफ़ी कम जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है ये जो वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, अगर दोस्तों वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है, शेयर करना है, साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएँ।